70 80% भारत तो अनपढ़ को है। हमें तो सारे किसान पढ़े लिखे लग रहे हैं जब बात कर रहे हैं सब। कैसे बात ना करे, पागल खाने जाएंगे किसान। तुम यार नहीं बात लाते हो निकाल के आप ही कह रहे पढ़े। यार हमारे जो खेत में भैंस चला रहा हो, पानी लगा रहा हो, इनके काबिल तो भी है ये, कोई घने काबिल है हमसे काबिल ना, तभी तो चुने आप। बात ये है कि इन्होंने आज के दौर में 7 साल की सरकार में बहुत बड़ो वर्ग अशिक्षित बना दी हो। पहली तो शिक्षा दे ही ना रही इन्हें, यही आई मारे तो लाए कि भाई किसान को काम ठीक करेंगे। अब मेरी बात सुनो यार, किसान को काम ठीक करेंगे, रोजगार देंगे, शिक्षा लाएंगे, इन्होंने सब पे चौका लगा दियो। इन्होंने तो 2-3 काम बता दिए। मन की बात सुनो, थाली बजाओ, मोमबत्ती जलाओ, ताली बजाओ और जिंदाबाद करो, और कोई काम ही ना, यही 5,000 काम है। आप कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाएंगे अभी? कहाँ बनाएंगे, ये बनाए ला की नारंगे यार, बनाएंगे तो जब 2022 में कोई और नीम धर दे, वो जरूरी है यही, बाकी पूजा पूजा पत्री करें और आदमी ना देश में। इतना बड़ा देश है, आजकल बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं मोदी जी, उद्घाटन कर रहे हैं। अरे तो उनकी उम्र ही पूजा पाठ की है, ये बीजेपी खामों का खेचे डोल लिया उन्हें, उनकी उम्र ही यार पूजा पाठ की है। हमें भी शर्म लगे, बुढ़े आदमी है वो। अरे कहाँ वो जसवी तेजस्वी प्रधानमंत्री है, है? हाँ, 18 घंटे काम करते हैं भाई। बुढ़ापे में बेटा नींद कम आए करे, बड़े बूढ़े की देही तो तू अपनो करपट बदल के टाइम कटे, 70 से ऊपर के है लिए वो अपने भजन ध्यान में लगे, पूजा पत्री अपनो कर रहे हैं, उन्हें दाम देखे बेचारे, जब भी भजन ध्यान को चले जाए, जब भी एकांत को चले जाए, ये बीजेपी खेचे डोले आगे डांगे ढोने पड़ रहे हैं उन्हें। आपने चाहते हैं आपके भी अच्छे दिन आए? कैसे कहाँ थे अच्छे दिन आ गए यार, तुम्हारे भी आ रहे हैं अच्छे दिन 2014 में। वो तो ऐसा लगा पूरे देश के पूरे दिन आगे दिखे, अच्छे दिन कहाँ रह गए भाई? हमारे तो आ गए अच्छे दिन। कहाँ थे आ गए अच्छे दिन? लाख भी आ गए हमारे पास। चलो आएंगे होंगे तुम भैया, कुछ किस्मत तो अच्छी बात है, 15 लाख रुपया आएंगे। दोगुनी आय नहीं करवाना चाहते इन कानूनों से? दोगुनी आय होगी आपकी। अब बताऊंगा भाई मैं, बात आ गई सही, 70% पेस्टिसाइड भारत में नकली बिकती है जो कीटनाशक है खेती में लगे। बिल्कुल सही बात है। 7 साल में सरकार ने कोई काम करे हो तो बताओ, उनकी कीमत बढ़ा दी, उन पे GST लगा दी। यार एक मिनट सुनो, गौशाला बनवा। अरे सुनो यार, गौशाला अंत मतलब ना है। सुनो सुनो, जो 50 किलो को कट्टा यूरिया DAP को आए करे हो, घटा के 45 किलो कर दियो। DAP को कट्टा भारत सरकार बना नहीं सकती, इनमें ताकत नहीं है, क्योंकि फॉस्फेट नहीं है इनके पास, फॉस्फेट बाहर से मंगा रहे। एक भी किसान को काम इन्होंने करके दिखाया हो, एक काम इन्होंने करे हो कि किसान की फसल को बीमा खोल दियो। एक मिनट सुनो यार, सम्मान निधि तो दे रहे। अरे तसल्ली करो यार, सम्मान निधि इन्होंने फसल को बीमा खोल दियो कि KCC बनवाओगे तो फसल की बीमा के पैसे कटेंगे, फसल की बीमा के पैसे KCC में तो बैंक काट लिए। फसल मर जाओ अगर कई किसान बीमा को पैसा मिले हो, यहीं पूरे में ले जा कैमरा घुमा ले, आज तक किसी को बीमा को पैसा नहीं मिलो, और ये कंपनी वह पैसा इकट्ठो करके बोरी भर के लेके भग गए, जैसी आराम कुछ भी ना है। प्रधानमंत्री से तो कह रहे हैं किसान फसल है। अब 2-2 हजार की सुन लो। अरे सुन लो भैया, 2-2 हजार की सुन लो। पूरे देश में गरीबन के नहीं राशन बटे, चीनी बटे कर रही जो राशन डीलर है उनके यहाँ, चीनी बटरी खत्म, राशन पे चीनी नहीं मिलती भैया, खत्म हो गई अब, केरोसिन खत्म, जाए मट्टी को तेल बोले, 5-5 किलो खाद खत्म, कट्टान थे वो एक माई कुछ और के खजानो इनके पल्ले पर को, जो कभी ने 2-2, 4-4 हजार रुपया ही बांट दियो, ये कमाए के दे रहे हैं, हमारो रुपया हमें दे रहे हैं, और हमें ये भीख ना चाहिए, फैसिलिटी बताइए क्या दे रहे हो हमें, सुविधा क्या है तुम्हारे पास? इतने बड़े ये स्वास्थ्य को मजबूत नहीं कर पाए, शिक्षा को मजबूत नहीं कर पाए, किसान को मजबूत करेंगे ये? 2000 को माल 800 में खरीद रहे हैं ये, गन्ना पे 1 रुपया नहीं बढ़े, 18,000 करोड़ रुपया इन्होंने सम्मान निधि में बांटे, अकेले UP के 8,000 करोड़ रुपया गन्ना के बकाया है, कर जाइए निपटाते थे पहले, तुम पे बायलॉज कैसे नहीं, सरकार कह रही है, सरकार कह रही है, अरे जनता क्या कह रही है, आज सुनो ना, इतने बड़े 3 कानून तो दे दिए आपको, और क्या लोगे सरकार से? किसान का ही तो पैसा घुमा रहे भैया, हमारा ही तो पैसा घुमा रहे ये किसान, इनकी निगाह में बीमार हो। पिछली सरकार सांस छोड़ गई हमें तन मन, इन्होंने आके और बीमार कर दिए, अब ये लाए हमारी दवाई, और इन्होंने 5-7 इंजेक्शन हमारे एकदम ठोक दिए, उन इंजेक्शन को रिएक्शन है दिल्ली के और पास भीड़ जो है,
तो भाई अरे यार मरते हुए आदमी का एक आध इंजेक्शन लगाए करें, यूं देखें भैया या कि पल्स वल्स बढ़ रही है, है? पांच सात एकदम धोखे, अब रिएक्शन ना होगा तो क्या होगा भाई? रिएक्शन कहाँ बैंडल है? तुमसे 20 बार मैं कह चुके हो, कितने भी बड़े अर्थशास्त्री से बात कर लो जो कॉमर्स पढ़े हुए हो के भैया ये नोटबंदी क्यों हुई, यो पतो ना, वो तो सरकार को भी पता नहीं क्यों हुई। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, यो पतो ना, GST लेके आए जो CA होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट उनसे बात कर लो, यो भैया ये क्यों आई, यो पतो ना, अब ये कानून ले आए, किसान से बात करो, यो पतो ना, ये पतो ना कब तक चलेगी भाई, कब तक चलेगी पतो ना ये? लेकिन आप कह रहे हैं कि हमारे अंदर पिछली सरकारों ने थोड़ा बहुत खून छोड़ा, सरकार तो भाई कह रही है कि 70 साल से आप गुलाम थे, इन्होंने तो ढांचो बना दिए हम, और एक बीमारी और ले आए, हमें नहीं आया, क्या जरूरत थी कोविड में इसे लाने की, इसे कोविड में लाने की क्या जरूरत थी, एक कानून लाते, डिबेट करके उसे लागू करते, उसके रिजल्ट अच्छे आते, फिर दूसरों लाते। डिबेट हुई तो संसद किससे हुई है? सांसद, तुमने सांसद छोड़े नहीं डिबेट करने के लिए, तो डिबेट कहां? सांसद सारे तो सांसद सर्वज्ञानी है, सांसद हमारा कानून किसान को, हमारे 50-40 आदमी को एक प्रतिनिधि मंडल बनाते, सांसद सांसद आयोग से गए, वो आयोग से पास होके गए, जनता ने ऊपर धर दिए, हाथ उठा में जाके यूं कहा ठीक है। आपने विपक्ष तो छोड़ा ही नहीं, विपक्ष तो अगर विपक्ष होता तो हमें यार काय जरूरत थी बैठने की, तो फिर आपके विपक्ष में तो यार बीमारी तो यही है कि इनके खिलाफ जो बोलेगा वही गड़बड़ है, क्या मतलब है, तो भी सही शासन ना आए, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को शासन है, तो जब विपक्ष खत्म कर दे तो फिर कहां बचा, तो फिर हमें भी खत्म कर देंगे, हमें भी ये जनता भी खत्म कर देंगे, इंतजार करो वोटों का, तो आन दो यार, टाइम पे तो यार आन दो, कैसे आज ही वोट गिरा में आवे तो सही होते ना, ये भूल जाओगे 2 महीने बाद, पागल है हम भूल जाएंगे, सात साल तो भूले ही पड़े, अब भी भूल जाएंगे, कहाँ भूलते हो आप, तो भूल जाते हो नोटबंदी को, भूल भैया हम संस्कारी हैं, और भारत को देहात एक अलग ही समाज में रहे, हमारे अच्छी बात भी दिल पे लिखी जाए, बुरी भी दिल पे लिखी जाए, भूलने को क्या मतलब। राजनाथ सिंह ने कहा है कल की कोई भी विदेशी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हमारे मामले में कोई भी बात ना कहे, ये हमारा घर का मामला है। नहीं विदेशी तो कहीं क्यों, उसके तो पक्ष में हम भी नहीं है, हमारा घर को मैटर है, हम छोड़ जाएंगे, ये तो बात मैं उनकी बात गलत नहीं बता रहा हूं। आपके विदेश के कुछ लोग आपके सपोर्ट में आ रहे हैं क्या, उनका कौन कौन आ रहा हो, हमें तो कोई ना मिलो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, अरे तो वो अपने अपने आप अपनी बात अन्य कहते रहो, या तो क्या मतलब है यार, हमारे देश को मतलब मसला है, आप सुन जाएगी, यहाँ की जनता सुन जाएगी, सरकार सुन जाएगी, कहाँ आप दोनों तो इलाज ही रहे हो, तो सुन जाएंगे भाई, जब इट जाएगी तभी तो सुन जाएगी, तभी तो होगा जब मेरी कहीं फौजदारी आ जाएगी, फौजदारी हुई ना भेजने को पहले ही बैठे 35 दिन से फौजदारी, टाइम लगे 3 महीने से पंजाब के किसान बैठे हैं 35 दिन, यार 35 महीना गिनो, उससे पहले गिनो ही मत, 32-33 महीना इनके जाने के रहे, इनके जो इनके ही वो कह रहे 50 साल राज कर लेंगे राज, उन तो कोई फैक्ट्री है जहाँ वोट बनेंगी, जनता घेरेगी वोट।